नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था हिंदी प्रथम का पाठ 8, कबूतर और शिकारी। आज हम उसी के बुक पाठ को और कॉपी पाठ को करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें बुक पाठ में देखा है श्रुतलेख। झाड़ी, हर्षाया, गवाओगे, भूखे, ज्यों ही त्यों ही, अत्याचारी, संभव, पैने, दांतों। पैने यानी नुकीले तेज धार वाले जो चूहे के दांत होते हैं उनके लिए पैने। सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, जिनको हम एकदम छोटे से ही लिखते हैं और बुक में ही करते हैं। शिकारी जाल क्यों बिछाते हैं? अपने शिकार को फंसाने के लिए। अगला प्रश्न है कि शिकारी ने जाल कहाँ बिछाया था, कौन से पेड़ के नीचे बिछाया था? बरगद के पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है, मुखिया को क्या देखकर मन में शक हुआ? क्या देखकर उसे मन में शक हुआ था कि बरगद के नीचे पड़े दानों को देखकर कि इतने सारे दाने पेड़ के नीचे कैसे और कहां से आ गए ना? अगला प्रश्न है कि अंत में माफी किन्होंने और किससे मांगी? अंत में माफी अन्य कबूतरों ने, जो सारे कबूतर थे उन कबूतरों ने मुखिया से मांगी। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, जिनमें हमें एक लाइन दे रखी है और दूसरी लाइन हमें अपने आप खुद स्वयं करनी है, ठीक है? नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे, नादानी मत करना वरना अपनी जान गवाओगे। पर भूखे होने के कारण बात न मानी मुखिया की, पर भूखे होने के कारण बात न मुखिया की मानी, झटपट नीचे उतर गए सब कर बैठे वे नादानी। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास आया, जिसने पैने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। माफ करें सब मिलकर बोले मुखिया जी ने माफ किया, अब गलती हमसे ना होगी सबने मिलकर वचन दिया। आपको इस पंक्तियों को हम अपनी कॉपी में भी करते हैं और आपको अपनी बुक में भी इसे कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन के सामने हमें सही टिक का निशान लगाना है और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। कि शिकारी ने बड़े से पीपल के नीचे एक जाल बिछाकर उस पर दाने बिखेर दिए। क्या पीपल का पेड़ था? नहीं था ना। किसका पेड़ था? बरगद का। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। मुखिया ने कहा बरगद के नीचे दाने हमारे किसी दुश्मन ने बिखराए होंगे, तो मुखिया ने ऐसा कहा था। एकदम सही वाक्य है कि मुखिया ने जब बरगद के पेड़ के नीचे इतने सारे दाने देखे तो उसने सही अंदाजा लगाया था कि किसी दुश्मन ने ही हमारे लिए दाने बिखराए होंगे, तो ये वाक्य सही है। कबूतरों ने बाद में मुखिया जी से कहा कि इस बात पर इतना परेशान ना हो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो होती ही रहती है। ऐसी कोई बात भी मुखिया ने नहीं कही थी, जबकि उन्होंने क्या कहा था कि अगर अपनी जान बचानी है तो आप नीचे मत उतरना, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। चूहे ने अपने पैने और तेज दांतों से तुरंत जाल काट दिया था, ये वाक्य सही है, क्योंकि चूहे के दांत बहुत नुकीले होते हैं। जब वो कबूतरों का जो मुखिया है वो चूहे के पास लेके गया तो उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया था। आगे हमें एक शब्द और वाक्य में प्रश्न दे रखे हैं और उससे आगे दो तीन वाक्य में, जिसे हम कॉपी पार्ट में करते हैं तब आपको क्लियर करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक अच्छी सी बात बता रखी है कि कबूतरों की नजर, याददाश्त और उड़ान बहुत अच्छी होती है। ये लगभग 26 मील दूर से अपनी मंजिल देख सकते हैं और एक दिन में 400 से 500 मील की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। इसी कारण पहले इन्हें डाकिये के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कितनी अच्छी बात बता रखी है कि इतनी दूरी तक ये यात्रा कर सकते हैं। और पुराने जमाने में क्या होता था, पोस्टमैन नहीं होते थे तो कबूतरों को ही डाकिये के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो हमारे खत, हमारे संदेश, हमारे जो अपने होते हैं उन तक पहुंचा दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण की तरफ, जहां उदाहरण के समान वर्णों को अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें एक शिकारी शब्द दे दिया, उसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। श हलंत प्लस ई, कौन सी मात्रा लगी हुई है? श पर छोटी ई, इसलिए हमने ई को अलग कर दिया। प्लस क हलंत प्लस आ की मात्रा, क्योंकि क के साथ में आ की मात्रा है। प्लस र हलंत प्लस ई बड़ी की मात्रा, क्योंकि र पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, इसीलिए हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। ये बन गया शिकारी। हम क्या करते हैं, स्वरों को व्यंजनों से अलग कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। आगे दे रखा है मुखिया, म हलंत प्लस उ छोटी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा है। प्लस ख हलंत प्लस ई प्लस य हलंत प्लस आ,
मुखिया। नदारी, न हलंत प्लस आ की मात्रा है, द हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि न पर बड़ी ई की मात्रा है, बना नदानी। आगे हम पढ़ते हैं, दुश्मन को द हलंत प्लस उ प्लस हलंत प्लस म हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। यहाँ देखोगे आप कि देखो श आधा है, तो हमने क्या किया, श पूरा लिखते हुए हलंत लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श हलंत यानी कि आधा श। अगर मैं इसके साथ में लिखती श हलंत प्लस अ यानी कि श पूरा हो गया, मैंने इसके साथ में अ नहीं लिखा है, इसीलिए ये दर्शा रहा है कि ये आधा श है। मित्र, म हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। अब आप देखोगे जो जब हमें त्र लिखना होता है तो हम त्र को कैसे लिखते हैं, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इन तीन वर्णों को मिला करके क्या बनेगा, त्र। जब भी हमें त्र लिखना होता है तो हमें तीन लिखने होते हैं, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इन तीनों को मिला करके बनता है त्र। आगे बढ़ते हैं, हम नीचे दिए गए वाक्यों में नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले स्वनाम शब्दों का गलत प्रयोग हो गया है, इन्हें सही वाक्य करके हमें दोबारा लिखना है। जैसे तुम नाम क्या है, गलत है ना ये, तुम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। स्वनाम तो दे रखा है लेकिन गलत स्वनाम दे रखा है, तो आपको उसको ठीक करना है। वह ने हमेशा बड़ों की बात मानी है, तो वह ने की जगह क्या लिखेंगे, उसने, उसने हमेशा बड़ों की बात मानी है। मेरे को आज यह कविता याद करनी है, तो मेरे को की जगह क्या लिखेंगे, मुझे, मुझे आज यह कविता याद करनी है। बड़े हमेशा हमारा हित की बात कहते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा की जगह हमारे, बड़े हमेशा हमारे हित की बात कहते हैं। सही क्रिया शब्दों से हमें खाली जगह भरनी है। शिकारी झाड़ी की ओट में छिप गया। मुखिया ने बरगद के नीचे बिखरे दानों पर उतरने के लिए मना किया। इस कविता में हमें बड़ों का कहना मानने की सीख मिलती है। चूहे के दांत पैने और तेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी कॉपी पार्ट की ओर, जिसमें हमें सबसे पहला प्रश्न श्रुतलेख का दिया है, जो कि हमने बुक पार्ट में किया था। झाड़ी हर्षाया गवाओगे, भूखे ज्योही त्योही, अत्याचारी संभव पैने और दांतों। अगला प्रश्न है शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। शिकारी कौन होता है, पशु पक्षियों को मारने वाला। हर्षाया, हर्षाया का अर्थ होता है खुश हुआ। मुखिया प्रधान यानी कि सरदार, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। शक संदेह, आफत संकट, ज्यों ही यानी कि जैसे ही, दुआ प्रार्थना। आगे बढ़ते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जो हमने बुक एक्सरसाइज में की थी वही हमको कॉपी में भी करनी होती है और बुक में भी कंप्लीट करनी होती है। नादानी मत करना, सॉरी, नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे। नादानी मत करना वरना अपनी जान गवाओगे। पर भूखे होने के कारण बात न मुखिया की मानी। झटपट नीचे उतर गए सब, कर बैठे वे नादानी। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास आया, जिसने पैने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। माफ करें, सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ किया, अब गलती हमसे ना होगी, सबने मिलकर वचन दिया। अगला प्रश्न है हमारा सही और गलत का। जो वाक्य हमें सही लगते हैं उनके आगे हम सही का निशान लगा देते हैं, और जो वाक्य हमें गलत लगते हैं उनके आगे हम गलत का निशान लगाते हैं। शिकारी ने बड़े से पीपल के नीचे जाल बिछाकर उस पर दाने बिखेर दिए थे। क्या पीपल का पेड़ था, नहीं था ना, बरगद का पेड़ था, इसीलिए ये वाक्य गलत है। मुखिया ने कहा बरगद के नीचे दाने हमारे किसी दुश्मन ने बिखराए थे। मुखिया ने यही कहा था, तो ये वाक्य सही है। कबूतरों ने बाद में मुखिया जी से कहा कि वे इस बात पर इतना परेशान ना हो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है। जबकि मुखिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उसने तो सावधानी बरतने और नीचे ना उतरने के लिए कहा था, तो ये वाक्य गलत है। चूहे ने अपने पैने और तेज दांतों से तुरंत जाल को काट दिया, तो ये वाक्य क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नोत्तर का, जिसमें शिकारी ने जाल बिछाकर क्या किया। इसका हमें उत्तर देना है, शिकारी जाल बिछाकर बरगद के पेड़ के नीचे छिप गया। किस कारण मुखिया की बात कबूतरों ने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी थी, क्योंकि उनको बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने मुखिया की बात को नहीं माना था।
जाल में फंसे कबूतरों को मुखिया ने क्या सलाह दी थी? क्या कहा था उन्होंने? जाल में फंसे कबूतरों को मुखिया ने कहा था कि तुम तनिक भी घबराओ नहीं, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल के साथ ही उड़ जाओ। अगला प्रश्न है, शिकारी किस बात को देखकर चकरा गया था? सभी कबूतरों के जाल को लेकर उड़ना देखकर शिकारी चकरा गया था। जब उसने देखा कि कबूतर ही मेरे जाल को लेकर उड़ गए हैं, फंसे फंस भी गए और उड़कर लेकर उड़ भी गए, तो इस बात को देखकर शिकारी बहुत चकरा गया, बहुत हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे जाल को लेकर कैसे उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बरगद के नीचे दाने देखकर मुखिया को किस बात का संदेह हुआ और उसने साथी कबूतरों से क्या कहा? उत्तर है हमारा कि बरगद के नीचे दाने देखकर मुखिया को शक हुआ, संदेह हुआ कि ये शिकारी या दुश्मन की चाल तो नहीं है। उसने सभी कबूतरों को नीचे उतरने से मना भी किया और कहा कि यह दुश्मन की चाल है, तुम सब मुसीबत में फंस जाओगे और नीचे नहीं उतरो। क्या कहा था मुखिया ने? उसको शक हो गया था कि दाने यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए और ये सब मुझे लगता है कि दुश्मन ने या किसी शिकारी ने ऐसा किया, और उसने अपने सभी साथियों को भी मना किया था कि वो नीचे ना उतरे। कबूतरों ने कौन सी नादानी की और इस नादानी का क्या परिणाम हुआ? कबूतरों ने पेड़ के नीचे बिखरे दानों को जाकर खाने की नादानी की। उन्होंने अपने मुखिया की बात नहीं मानकर भी नादानी की। इस नादानी का यह परिणाम हुआ कि सभी कबूतर शिकारी की चाल में फंस गए। क्या नादानी की थी उन्होंने? अपने मुखिया की बात नहीं मानी और नीचे उतर गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो जाल में फंस गए। अगला प्रश्न है कि मुखिया ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए क्या किया? मुखिया ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए उनसे कहा कि सब एक साथ जोर लगाएं और जाल के साथ ही उड़ जाएं। कबूतरों ने ऐसा ही किया, वे जाल के साथ उड़ गए और इसके बाद मुखिया उनको अपने मित्र चूहे के पास ले गया और चूहे ने जाल काटकर इन सबको बचा लिया। इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? अपने शब्दों में आपको बताना है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए तथा शांत दिमाग से उस मुसीबत से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्या सीख मिलती है हमें इस अध्याय से? जब भी हमारी जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो हमें उससे डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग को शांत रखते हुए हमें हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा वाक्य बनाओ का, जिसमें आपको एक एक शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों से आपको क्या करना होता है? वाक्यों को बनाना होता है। मुखिया, कबूतरों ने अपने मुखिया से माफी मांगी। शिकारी, शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया। बरगद, मेरे घर के सामने एक बरगद का पेड़ है। मित्र, मेरा प्रिय मित्र राम है। ये हो गए हैं बच्चों हमारे वाक्य बनाओ। अब आप सबको क्या करना है, अपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने अपने कॉपी में अपने इस वर्क को कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। ये बच्चों हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों की लेसन 7 का भी वर्क हम लोगों के पास आया नहीं है। आपको क्या करना है, अपने वर्क को जल्दी से कंप्लीट करना है और हमारे पास सेंड करना है, ओके? और साथ साथ में लर्निंग भी करनी है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।